दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक बीसी ईबीसी कैटेगरी के जो ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए। दोस्तों जो विद्यार्थी जो इंटर मैट्रिक आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनको बिहार पोस्ट मैट्रिक बीसी ईबीसी के माध्यम से उनको छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिलता है जो कि लगभग 2000 से लेकर 10000 तक के बीच में मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको रोजाना प्राप्त हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यह जो विज्ञापन है वो 10 जून को यह आया हुआ है, यानी कि आज ही यह आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पोस्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आगे समझते हैं, यह जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक बीसी और ईबीसी जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के आते हैं उनके कैटेगरी के लिए आया है। 2022-23 का फॉर्म है, ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप है या पोस्ट मैट्रिक का है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है फार्म जो लोग भर सकते हैं कास्ट के, वो जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के आते हैं वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये एससी एसटी के लिए भी आता है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल इसके लिए बीसी और ईबीसी के लिए ही है। अप्लाई जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो लोग इंटर पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या अदर कोर्सेज जो किए होंगे वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो दोस्तों फॉर्म है वो 12 जून से भरा जाएगा, यानी कि आज 10 है तो 2 दिन बाद यह भरा जाएगा। और इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों यह दिया है 15 जुलाई, यानी कि लगभग 1 महीना ही आपका हो गया। और आगे चलिए समझते हैं इसमें वीडियो में आगे क्या है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे, ठीक है। तो डेट की बात करेंगे तो डेट में यही यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो विद्यार्थी आवेदन देना चाहते हैं वे जो हैं 15 जून 2023 से अप्लाई आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तक निर्धारित किया गया है। योग्य विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका जो स्टार्ट जो डेट है अप्लाई ऑनलाइन या 10 जून यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 15 जून दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों हम फी की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि कह रहा है कि नो एप्लीकेशन फी ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनको किसी प्रकार का फॉर्म का फी नहीं लिया जाएगा। हाँ दोस्तों अगर किसी साइबर के पैसे भरवाते हैं ये फॉर्म को तो अपना चार्ज लेगा, वो अलग चीज़ है। अब दोस्तों हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में दोस्तों कह रहा है मिनिमम एज नो एज लिमिट और मैक्सिमम एज नो एज, यानी कि यहाँ उम्र का भी कोई बात नहीं है। आप किसी भी कितने भी उम्र का है कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटर पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर किया जाएगा इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ जो कह रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि यहाँ फोटोग्राफ लगेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट, एक होता है पीडीएफ फॉर्मेट, जेपीईजी होता है, पीएनजी होता है, वो फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसका साइज़ जो कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB के अंडर, यानी 50 KB के नीचे होगा, ज़्यादा डालिएगा तो नहीं हो पाएगा। अब आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर कह रहा है 10th सर्टिफिकेट वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 KB के अंदर होना चाहिए, यही एप्लीकेबल यानी है तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है कि 12th सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्म, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद कह रहा है ग्रेजुएट का लगेगा अगर हैं तो, ठीक है, नहीं तो इंटर तक अब किए हैं तो इंटर तक कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लग रहेगा अगर पीजी किए हुए हैं तो। सब जो जितने भी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। और इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यह 400 KB के ही अंदर होना चाहिए और जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 50 KB के अंदर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना है। उसके बाद क्या लगा
तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और दोस्तों उसके बाद आपका रेसिडेंटल रहेगा, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहेगा। अब ये दोस्तों आपको हम बता दें, बोनाफाइड यह बोनाफाइड जो है कॉलेज देती है, कॉलेज आपको एक स्लिप देगी बनाकर कि आपको कितना खर्च है, ठीक है, पढ़ने में, उसका एक आपका बस ब्यौरा रहेगा, वो कॉलेज बनाकर देगी, उसको हम बोनाफाइड कहते हैं। ये जाकर कॉलेज में आप ले सकते हैं, वो भी जो उसका जो पीडीएफ जो साइज होना चाहिए वो ये जब देगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा। और फिर शिफ्ट की बात करें, ये भी आपका कॉलेज से ही मिलेगा, ठीक है। तो बोनाफाइड और फिर शिफ्ट जो है आप जाकर कॉलेज से ले सकते हैं। और आगे दोस्तों हम बात करें कि कब यह फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यह फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्म में अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीसी ईबीसी यहां पर देख सकते हैं, इस कैटेगरी से अगर नहीं है तभी फॉर्म आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। इफ़ नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द अप्लाइड, अगर बोनाफाइड भी नहीं होगा तभी आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। नॉट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट एंड द स्टडिंग द गवर्नमेंट कंपोनेंट बॉडी, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में आप नहीं पढ़ रहे होंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। इनकरेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट गलती बनवा ली है, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम नॉट अंडर द कह रहा है तो देखना इसको हटा दें, अंडर द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ स्कीम, माने इनकम जो होना चाहिए वो लगभग लगभग 1 लाख से भीतर होना चाहिए तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कह रहा है वैसा एक होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको होना चाहिए, अगर ये चीज़ सही नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अगर और भी यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर अप्लाई, यहाँ पर कह रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर देखा है लिंक एक्टिवेट ऑन 12 जून, यानी कि 12 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, और 12 तारीख से दोस्तों 12 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा चैनल। थैंक यू।